अलग अलग डिपार्टमेंट में मीन्स अगर आप शुरू में आपने बताया कि आप एज अ रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में थे, तो अगर आप रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट से आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी तो फिर आप अलग डिपार्टमेंट में ऐसा क्यों भेज देते हो? देखिए LIC में एक अच्छाई है कि यहाँ पर प्रोग्रामर भी प्रोग्रामर नहीं लिए जाते, प्रोग्रामर प्रोग्रामर नहीं भर्ती करते। अच्छा, हम जनरल लोग भर्ती करते हैं, उनमें टेस्ट लेके जिनमें IT का एप्टीट्यूड होता है उनको ट्रेन करते हैं। अच्छा, जो लोग आते हैं उनमें से किसी में अगर एक्चुरियल के प्रति रुझान है तो उनको एक्चुरी बनाते हैं। तो हमारा जो पहला पूल होता है रिक्रूटमेंट में वो सामान्य होता है। अच्छा, उसमें से ही हम निकालते हैं। अगर LIC में 3000 प्रोग्रामर हैं तो वो LIC में अगर प्रोग्रामिंग सीखें, तो इस रोटेशन से क्या होता है कि अगर आप कभी हॉकी का गेम देखेंगे ना या फुटबॉल का देखेंगे, तो वहाँ पर ये होता है कि कितनी पोजीशन बदल के खेल सकते हैं। इस प्रक्रिया से LIC को लाभ ये होता है कि उनके सभी अधिकारी 4-5 रोल प्ले कर सकते हैं, तो एक वर्सटाइल टीम डेवलप होती है जिसमें छुट्टी लेने पर ये नहीं होता कि डिपार्टमेंट बंद हो गया, क्योंकि जो पहले से हटा हुआ है वो तो है ना। तो ये मैं खेल भावना से समझता हूँ, इसे हम जॉब रोटेशन कहते हैं। तो जब आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने, 22 साल की उम्र में आपने काम करना शुरू किया, किस एज में जाके आप कितने सालों बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं? मैं 2015 में बना, तो आप 84 से 31 वर्ष कह सकते हैं। 31 साल के बाद आप एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने तो आपकी क्या भूमिका थी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या काम करना था आपको? LIC में एक और बहुत मज़ेदार चीज़ है, यहाँ पर हमेशा आप एक पोस्ट हायर भी काम करते हैं, एक पोस्ट लोअर भी करते हैं। अच्छा, तो जब आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ नया कर रहे हैं, क्योंकि जब आप चीफ होते हैं तब भी आप काफ़ी काम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का करते हैं। अच्छा, तो इसलिए LIC में कभी भी टैलेंट का क्राइसिस नहीं होता। जैसे आपको याद होगा 2001 के पास जब नया नया सेक्टर खुला था, कंपनी से बहुत लोग नौकरी छोड़कर गए थे, बहुत कंपनियों को प्रॉब्लम हो गई थी। LIC में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लोग छोड़कर भी गए तो उनका अभाव कभी भी महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि LIC में सब लोग अपने से एक पोस्ट ऊपर एक पोस्ट नीचे काम करने के अभ्यस्त रहते हैं, तो उससे जब नया चैलेंज आता है ना उसके लिए नया नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या आपका रोल क्या था जब आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम कर रहे थे? मैं जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना उस समय मैं डेपुटेशन पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में था, चीफ विजिलेंस ऑफिसर। अच्छा, तो वहाँ पर जो काम था वो सभी विभागों के कार्य में भ्रष्टाचार को रोकना और ईमानदार लोगों को एम्पावर्ड करना कि वो फॉल्स केस में ना फंसाए जाए। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस LIC के अंडर में आता है? नहीं, ये जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है ना, इसके लोग हमेशा दूसरी कंपनी से लाए जाते हैं ताकि वो वहाँ के स्थानीय सिस्टम से इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि वो तो बाद में अपनी कंपनी चले जाएंगे, उनका कुछ बिगड़ नहीं सकता। तो जो CVO है वो अगर स्टेट बैंक में है तो स्टेट बैंक का नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं LIC में हूँ तो मैं LIC का CVO नहीं बन सकता, तो CVO किसी और जगह से आएगा और वो 3 साल के लिए आता है। तो ऐसा आशा की जाती है कि जब उसका बॉस उस कंपनी के बाहर है तो वो उसे बिना इन्फ्लुएंस हुए सही निर्णय लेगा। तो उस समय मैं ओरिएंटल में था और ओरिएंटल में भी मैंने वही ट्रेनिंग, मैंने 13,000 कर्मचारियों में से 9,800 से अधिक को 1-to-1 ट्रेनिंग दी थी, और मैंने उसमें चपरासी के लिए अलग कोर्स डेवलप किया था कि चपरासी कैसे करप्शन में फंस सकता है, और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनके लिए अलग किया था। अब आप देखिए, एक सवाल है बहुत छोटा सा, एक चपरासी है जिसके पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है तो वो भ्रष्टाचार कैसे कर सकता है? लोग जवाब नहीं दे पाते। मैंने कहा कि तुम किसी को गलत डॉक्यूमेंट देकर भ्रष्टाचार कर सकते हो। अब ये कोई गोपनीय रिकॉर्ड है तुम दे दो, कोई आपके पास आया कि जी साहब ने रिकॉर्ड मंगाया आपने दे दिया, तो आप फंस जाओगे। सही व्यक्ति को ही रिकॉर्ड देना है, और दूसरा गलत बिल नहीं सबमिट करने हैं। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से मेरे पास 9-10 मिनट का चपरासी के लिए मॉड्यूल था और मेरे पास पूरे दिन का सीनियर ऑफिसर के लिए मॉड्यूल था। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।